हाय गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। एंड आज जो मैंने आपके लिए स्टॉक ढूंढा है उसका नाम है MRF। इसके बहुत सारे रीज़न हैं कि मेरे को क्यों लगता है कि ये स्टॉक बुलिश है, आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। इसका जो सबसे पहला हम चीज़ करते हैं, ग्राफ देख लेते हैं एक बार, ताकि एक बेसिक आइडिया हो जाए कि ये चलता क्या है। अगर मैं इसका 1 वीक का ग्राफ लगाऊँ, यानी कि इसकी हर कैंडल अगर 1 हफ्ते को दर्शाएगी, तो आप ये देखो कि ये जब से 10,000-12,000 रुपये के ऊपर निकला है यहाँ से, मतलब ये हर हफ्ते हफ्ते करके बढ़ता ही जा रहा है, और ये कंटिन्यूसली चला गया 40,000 पे। वहाँ से थोड़ा गिर के 30,000 के पास आया, और उसके बाद फिर से कंटिन्यूसली 70,000 पे चला गया। मतलब कि ये कि अगर बीच का हम 1 साल का इसका टाइम निकाल दें, 1.5 साल का टाइम निकाल दें, तो ये हर साल बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 1 साल में तो डबल हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो नीचे आप डेट देख सकते हो, मतलब ये जनवरी है 30/1/2017, 50,000 से लेके 70,000 इसने टच कर दिया 4 महीने में। मतलब कुछ तो बात है इस कि ये ग्राफ कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। अब हम इसकी फंडामेंटल्स को कंपेयर करते हैं, तो हम वही तरीका लगाते हैं जो हम हर बार करते हैं। हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं screener.in, और यहाँ पर टाइप करते हैं MRF। ये आ गया MRF, ऑटो टायर्स का कंपनी का इसका सेक्टर है। अब यहाँ पे हम बेसिक्स देखें तो मार्केट कैप देखो कितना ह्यूज है। ये इस बात से हमें ये पता लगता है कि ये अपनी जो सेक्टर है उसमें लीडर है। फेस वैल्यू इसका 10 है, जो कि एक मेन रीज़न है कि मैंने इसको सेलेक्ट किया है, क्योंकि इस स्टॉक ने अभी तक कोई भी बोनस स्प्लिट कुछ नहीं करा है, एज इट इज़ चलता जा रहा है। अब इसका 52 वीक हाई और लो देखो कि ये 30,000 से साल भर में खींच खींच के पूरा 70,000 पे आ गया, मतलब डबल से भी ज़्यादा। हमने तो 35,000 पहले बात करी थी। यहाँ अगर हम इसका ग्राफ फिर से मैक्सिमम देखें तो ये 2006 से हमको दिखा रहा है। 2008 में रिसेशन आया, ये स्टॉक गिरा, बट वहाँ से आप देखो इसमें रिकवरी कितनी तेज़ आई है। एंड अगर किसी ने 2006 में भी लिया होगा तो ये 2017, यानी कि सिर्फ 11 साल एग्जैक्टली, क्योंकि ये 15 में दिखा रहा है, तो 11 साल में इसने आपके पैसे को 7 गुना बढ़ा दिया। मतलब अगर FD में भी डाला होता तो 9%-10% उस टाइम मैक्सिमम था, बट इसने 7 गुना कर दिया, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है। अब इस कंपनी की हम अच्छी बातें कुछ पढ़ते हैं कि कंपनी हैज़ अ गुड कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 45। मतलब इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी ने प्रॉफिट बढ़ा के 45 कर लिया। इसका कहने का मतलब है कि पिछले 5 साल से इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, 45.65 उसकी एवरेज आ रही है। एंड कहने का मतलब ये है कि हर साल बढ़ रहा है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ 1 साल अच्छा हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि 5 साल की एवरेज अगर हम कर रहे हैं तो इसका प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ता ही जा रहा है, और 45 की उसकी एवरेज है। मतलब ये प्रॉफिट जो है परसेंटेज में दिया हुआ है, तो इसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि हर कंपनी इतना प्रॉफिट जमा नहीं कर सकती बार बार लगातार साल दर साल। एंड इसका जो प्रॉफिट है वो इसके प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 1 साल में ही खासकर ये डबल हो गया। दूसरा पॉइंट लिखा है कि कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड, 3 ईयर्स का ROE जो है 30% है। मतलब अगर आप इसमें 3 साल पहले पैसा डालते तो हर साल आपको रफली 30% से ऊपर का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर इसने आपको दिया। तीसरा पॉइंट जो है वो नेगेटिव लिखा हुआ है कि प्रमोटर होल्डिंग लो है, मतलब कि इस कंपनी के जो मालिक है उसने खुद अपना पैसा इसमें कम कर रखा है, सिर्फ 27% की हिस्सेदारी उनकी खुद की है, बाकी सब पब्लिक सेक्टर में दिया हुआ है या फिर FII DII के अंदर है। लेकिन ये जो 27% है ये भी कम नहीं है, क्योंकि इस स्टॉक का जो रेट है इतना ज़्यादा हो चुका है कि जिसने 27% भी लिया उसने ऐसा तो नहीं है कि 70,000 होने पे लिया, उसके पास तो ये चीज़ पहले से ही है। एंड जैसे ही ये कंपनी धीरे धीरे करके अपना स्टेक कम करती है तो पब्लिक इसको खरीद रही है, तभी इसका रेट जो है इतना ऊपर भाग रहा है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस बाइंग है। मतलब कि जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो अरबों करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इसको इमीडिएटली खरीद लेते हैं अगर कंपनी सेल करती है। इसलिए इस पर्टिकुलर कंपनी में अगर प्रमोटर होल्डिंग कम भी है तो इसमें हमें इससे कोई डर नहीं है। अब हम ये देखें कि इसके तरीके की ही जो इसके सेक्टर में दूसरे इसके कंपटीशन में कंपनियां हैं उनका रिकॉर्ड कैसा चल रहा है। तो अगर हम मार्केट प्राइस देखें, करंट मार्केट प्राइस, तो वो 66,000 का सबसे ज़्यादा है इस कंपनी का। PE रेशो देखें तो सिर्फ एक कंपनी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज इससे ऊपर है, बाकी सबसे आउट परफॉर्म इस MRF ने अभी तक किया हुआ है। अब हम मार्केट कैप देखें, जो हमने पहले बात करी थी 28,000, यानी कि अपनी दूसरी कंपटीशन वाली कंपनी बालकृष्ण से ये ऑलमोस्ट डबल है, मतलब ये लीडर है अपने सेक्टर के अंदर। मतलब इसका कोई तोड़ नहीं आया अभी तक किसी कंपनी के पास कि इसको ओवरटेक कर सकें, कोशिशें जा रही हैं बट फिर भी ये कंपनी सबसे आगे है।
डिविडेंड यील्ड यस थोड़ा सा कम है, बट ये कंपनी अगर डिविडेंड नहीं भी दे रही तो कोई नहीं, इसके प्राइस जो है दूसरी कंपनी के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से ऊपर भाग रहे हैं। तो जो ये कंपनी डिविडेंड ना दे के पैसा हम कह रहे हैं अपने पास रख रही है, ऐसी बात नहीं है, इसके प्राइस में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। हाँ, अगर हम इसका नेट प्रॉफिट क्वार्टर एंड क्वार्टर देखें तो ये सिर्फ 286 का फिगर है, जो कि इतने बड़ी कंपनी के हिसाब से बड़ा नहीं है, जबकि दूसरी कंपनी ने 228 जो कि है अपोलो टायर्स। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो वो इसका थोड़ा कम ज़रूर है, बट इसका एक रीज़न यही मेन होता है कि ये कंपनी ज़ोरों शोरों से एक्सपैंड कर रही है, तो अपने प्रॉफिट का हिस्सा निकाल के एक्सपेंशन में यूज़ कर रही है, इसलिए जो नेट प्रॉफिट हाथ में बचा खर्चे काट के वो कम है। बट फिर भी अगर हम देखें तो भी अपनी सेक्टर में सबसे आउट परफॉर्म इसने अभी तक किया हुआ है। सेल्स वगैरह तो हम कंपनी से कंपनी वेरी करने का फ़ायदा नहीं है, हम इसको देखेंगे कि इस कंपनी की परफॉर्मेंस टोटली कैसे बढ़ रही है। अब हम नीचे आते हैं, क्योंकि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए शॉर्ट टर्म पे इसके बारे में बात करके कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, इसलिए क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके बारे में कुछ खास हमें नहीं बता पाएंगे। हम ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करते हैं, इसके एनुअल रिजल्ट्स देखते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर होता है किसी भी कंपनी के लिए मार्जिन निकालने के लिए, वो होता है उसकी सेल कितनी है। अगर उसकी सेल ज़्यादा है तो ऑफकोर्स उसके हाथ में मार्जिन ज़्यादा आएगा, प्रॉफिट ज़्यादा खींचेगा। अब ये 2005 का है जिसमें सेल इसने दिखा रखी है 3000 के लगभग, और आप ये देखो कि ये कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। नोटिस करने की चीज़ ये है कि जब 2007-08 में मेजर रिसेशन आया था तब भी इसकी सेल इंक्रीज ही हो रही है, 2400 है, 5000 और फिर आगे बढ़ रही है, तो सेल में इसकी कहीं भी डिप नहीं है, हर साल बढ़ रही है। 14 से 16 में जब ये खास कर आ रही है तो 13000 कुछ है और फिर 20000 पे आ गई, मतलब इमीडिएटली इसकी सेल के अंदर तो एक बूस्ट आ गया इन 2 सालों में। यही इसके प्राइस में भी हमने देखा था, खासकर पिछले 1 साल में, कि स्टॉक डबल से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, जो कि अगेन हम देखेंगे 157 है, और ये कंसिस्टेंट ही है, या फिर हम कहेंगे बढ़ ही रहे, 600, 800, 1200, 1700, 4000, 2500। तो आप ये देखो कि इसका प्रॉफिट जो है कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, कंपनी बकायदा एक्सपेंशन कर रही है तब भी प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। यही ये पॉइंट था जो ऊपर लिखा था कि 45% की एवरेज से इसका जो प्रॉफिट पिछले 5 साल का है वो कंसिस्टेंटली इसको आ रहा है। अब हम इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं, 2005 का फिगर दे रहा है 40, फिर वहाँ से बढ़ रहा है 70, 80, 170, 150, 250, 350, 600। तो हम नेट प्रॉफिट सारे खर्चे काट के देखें तो वो भी हर साल इसका इंक्रीज़ ही हो रहा है। डिविडेंड हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लॉन्ग टर्म बात कर रहे हैं, ये जो है डिविडेंड कंपनी बहुत ज़्यादा नहीं देती, बट अगर ये छोटा मोटा परसेंटेज भी डिविडेंड देती है तो वो भी 500, 700, 1000 रुपये का तो बन ही जाता है, बिकॉज स्टॉक जो है इंडिया का वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट स्टॉक है। अब हम इसका ये देखेंगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो ऊपर भी लिखा था कि 3 साल की एवरेज है 30% की, मतलब किसी ने अगर 1,00,000 रुपये डाले होते आज से 3 साल पहले तो हर साल उसको 30,000-30,000 रुपये का उस पर बेनिफिट मिल रहा था, यानी अब तक उसका पैसा जो है कम से कम 1,95,000 के अराउंड आ चुका होता, जो कि हम देख चुके हैं कि स्टॉक ऑलरेडी डबल हो गया। तो ये परसेंटेज में कंपाउंडिंग करेंगे तो 3 साल के हिसाब से 58, यानी कि 58% के हिसाब से उसकी कंपाउंडिंग हो गई 3 साल में। तो ये इसका पहला फैक्ट था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि इसके फंडामेंटल कंपनी के बहुत स्ट्रांग हैं। अब मैं बताऊंगा आपको बाकी के 2 पॉइंट जिसको देख के इसको डेफिनेटली ख़रीदना बनता है, आप इस बात पे यकीन करेंगे। अब मैं आता हूँ मनी कंट्रोल पे, और यहाँ पे मैं निकालता हूँ MRF, ये आ गया MRF। अब पहली जो चीज़ हमको देखनी है वो ये है कि इसकी फेस वैल्यू एज इट इज़ इंटैक्ट है, जो कि 10 है। मतलब ये स्टॉक इतना महंगा हो गया फिर भी इसको हर रोज़ खरीदते हैं लोग, बेचते हैं, कुछ लोग होल्ड करते हैं, कुछ इंट्राडे करते हैं। जिस दिन भी ये स्टॉक डिक्लेयर करेगा बोनस या स्प्लिट हो जाएगा, उस दिन इसकी वॉल्यूम जो है एकदम से जंप मारेगी, क्योंकि सब लोग अभी इसको खरीद नहीं सकते कि 65,000 रुपये दिए तो भी एक सिंगल स्टॉक आया। लोग सोचते हैं यार मैं 1,000-2,000 वाला स्टॉक ले लूँ कि मेरे को क्वांटिटी ज़्यादा मिल जाए, ऐसा नहीं है। इतनी अच्छी वैल्यूएशन के बाद भी ये स्प्लिट नहीं कर रहे, क्योंकि इनको अपनी चीज़ों में कॉन्फिडेंस है कि जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं वो मार्केट में बेस्ट है। जिस दिन भी इसमें स्प्लिट या बोनस की न्यूज़ आ गई ये खतरनाक दौड़ जाएगा, एकदम रिटर्न आपका जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐड नहीं होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अभी तक 10 की फेस वैल्यू रख के बैठा है, अगर ये 5 भी हो गया तो फिर ये 30,000 का हो जाएगा, फिर ये बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा कि इसको परचेज करने के लिए लोगों के पास ये होगा कि अब हम सिर्फ 30,000 रुपये में एक सिंगल स्टॉक ले सकते हैं, अभी जहाँ 65 देने पड़ रहे हैं वो 30 में एक आ जाएगा। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो डिलीवरेबल्स परसेंटेज 45 है। इसको कहने का मतलब ये है कि आज अगर टोटल सपोज वॉल्यूम 10,000 है, सपोज आज के दिन में, या 1,00,000 है,
तो उसका 45% यानी कि 45,000 शेयर जिसने खरीदे उसने इसको इंट्राडे में स्क्वेयर ऑफ नहीं करा, उसने होल्ड कर लिया। कहने का मतलब ये दर्शाता है कि लोगों को इस स्टॉक के अंदर यकीन है कि अगर मैं इसको कुछ टाइम रखूंगा तो ये इससे आगे जाने वाला है, बढ़ने वाला है, घटेगा नहीं। मतलब कि आप इसको होल्ड कर सकते हो, आपको इसको इंट्राडे में 200-400 का काम करने की जरूरत नहीं है, आप इसको होल्ड करो। एंड मैं तो इसके ऊपर लॉन्ग टर्म में बुलिश हूँ, क्योंकि हमने देखा कि 11 साल में 7 गुना। अगर आज आपने गलती से भी इसको सिर्फ 2 या 3 स्टॉक डाल के रख दिए FD की तरह, तो आज से जब 10-15 साल में जब आप अपने बच्चों के लिए अगर इसको देखेंगे तो ना जाने कितना गुना हो चुका होगा ये। एंड अगर इस बीच में ये स्प्लिट हो गया या कोई बोनस आ गया तो मतलब कई गुना और मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि स्प्लिट या बोनस जब भी किसी स्टॉक में होता है तो वो पहले ही दौड़ जाता है। प्लस आपकी जो क्वांटिटी है वो अगर स्प्लिट 1:1 होता है तो डबल हो जाएगी, 1:5 है तो हर 5 पे 1 और मिल जाएगी, जो भी रेशो आएगा, 1:2 है तो हर 3 पे 1 मिल जाएगा, जो जैसे भी है। तो इसको खरीदने के ये 3 मेन पॉइंट्स हैं कि इसकी फेस वैल्यू इंटैक्ट है, डिलीवरी रेशो बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, एंड इस कंपनी के फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। ये इतना महंगा होने के बाद भी अपनी कंपनी जो है MRF अभी तक आउट परफॉर्म कर रही है, लोग इसके अंदर विश्वास अभी भी दिखा रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं। जबकि जो इसके पीछे का दूसरा स्टॉक है अपोलो टायर, जो सेकंड लीडर है फिलहाल, उसका स्टॉक सिर्फ अभी 250 के अराउंड कुछ का है। तो इस शेयर को डेफिनेटली ख़रीदना बनता। तो इसके साथ मैं कंक्लूड करूँगा कि प्लीज़ बाय दिस स्टॉक, कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को इनकरेजमेंट मिले कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और मैं और स्टॉक्स आपको ढूंढ के फ्यूचर में दे पाऊँ। टिल देन प्लीज़ ट्रेड सेफ, हैव अ गुड डे।